वेलकम बैक। इस वीडियो में मैंने बनाया है एक सेमी ऑटोमेटिक मेगा वीट फार्म जो कि मुझे एक बार फार्मिंग करने के बाद 2840 वीट प्रोड्यूस करके देगा। ओके, तो मेरे पास पहले से ये वाला वीट फार्म है जो कि बहुत ही छोटा है। ये जितना वीट प्रोड्यूस करता है वो मेरे इस बड़े से पेट के लिए काफ़ी नहीं होता। तो आज मैं इस छोटे से वीट फार्म को एक मेगा वीट फार्म से रिप्लेस करने वाला हूँ। ऑल राइट, तो मैंने वीट फार्म बनाने के लिए ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है। ये हमारे घर के पास भी पड़ता है, तो अब जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो अभी मैंने पूरा ये एक बाउंड्री बना दिया है फॉर्म बनाने के लिए, और ये यहाँ से नीचे से शुरू होता है, यहाँ से उसके बाद ऊपर तक एकदम सीढ़ी की तरह बनते हुए स्टेयर की तरह ऊपर जाता है और इधर इस साइड तक फैला हुआ है। तो इतना बड़ा हमारा फॉर्म बनने वाला है। ओके, तो अभी मैंने फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये पूरा नीचे से ऊपर तक स्टेयर की तरह लग रहा है, तो ये वाला हमारा तो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फार्मिंग के लिए मुझे मिट्टी को इस प्रकार कुछ गीली करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे एक किनारे पे यहाँ पे और ऐसे ही मुझे एक इस साइड यहाँ पूरा ऊपर तक ऐसे नालियाँ बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इन दोनों के बीच की मुझे गैप को 8 ब्लॉक रखना है क्योंकि वाटर का फ्लो केवल 4 ब्लॉक तक जाता है एक साइड। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा और ऐसे ही हर 8 ब्लॉक पे मुझे एक नाली बनानी पड़ेगी। ऐसे मेरे यहाँ पे पूरे 40 ब्लॉक की दूरी है, तो मुझे ऐसे 6 नालियाँ बनानी पड़ेंगी। लेकिन मुझे ये वाला एरिया भी क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि नाली बनाने के लिए मुझे और स्पेस चाहिए। तो जल्दी से इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं। वैसे नालियों को मैं इससे डर्ट से नहीं बनाने वाला, इनके लिए मैं ये कोबल स्टोन का यूज कर रहा हूँ। तो जल्दी से कोबल स्टोन ले लेते हैं और ये सब सारा डर्ट मैं इस बॉक्स में रख देता हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर हम नाली बनाना शुरू करते हैं। पूरा एकदम यहाँ से पूरी मिट्टी हटानी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ की मिट्टी हटा देता हूँ जैसे। ओके, तो अब स्टोन ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पे और इसी तरह इस साइड एक यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे मुझे ऐसे नीचे की साइड भी लगाना है, तो मुझे ये भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लगा लेते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे और ऐसे। ठीक है, अरे नीचे गिर गया, ऐसे नहीं करना था, ऊपर चलते हैं। ओके, तो हमारा कुछ इस तरह नाली बना है। अभी ऐसे ही मुझे यहाँ से वहाँ तक बनाना है, तो जल्दी से मैं इसको बना के कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो नाली हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है पूरा लास्ट तक। अब ऊपर से एक बार वाटर डाल के देखते हैं क्या ये वाटर का फ्लो पूरा नीचे तक जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं वाटर डाल देता हूँ, अगर ये नीचे तक चला गया तो हमारा नाली बिल्कुल मस्त कंप्लीट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे नाली पूरा यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे मैं एक कोबल स्टोन लगा देता हूँ। ओके, तो नाली ये हमारा ऊपर से नीचे तक तो बहुत ही सही एकदम वाटर का फ्लो आ रहा है, तो ये हमारा मस्त काम कर रहा है वैसे। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये हमारी मिट्टी गीली हो रही है इससे। अगर गीली हो गई तो हमारा तो काम पूरा एकदम मस्त हो गया है, बस फटाफट ऐसे ही मैं सारी नालियाँ बना लूँगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया है, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी, यानी मिट्टी हमारी गीली हो रही है, तो हमारा ये नाली बहुत ही सही काम कर रहा है। तो ऐसे मुझे एक यहाँ पे भी नाली बनानी पड़ेगी और ऐसे यहाँ पे भी और इधर भी, एक यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में भी एक बनानी है। तो अभी मुझे 5 नालियाँ ऐसे बनानी है हर 8-8 के ब्लॉक पर। तो जल्दी जल्दी इसको बना के कम्प्लीट कर लेते हैं। ओके, तो अभी मैंने ये नाली वाला पूरा काम कंप्लीट कर दिया है और ये हमारी पूरी मिट्टी को वैसे गीला कर देगा इतना नाली। तो हमारा फॉर्म वैसे सेमी ऑटोमेटिक बनने वाला है, तो इसको सेमी ऑटोमेटिक बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो जो मैं लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़े रेड स्टोन और ये चेस्ट चाहिए थे और हॉपर चाहिए और ये ट्रैपडोर चाहिए। मैंने ट्रैपडोर थोड़े से ले लिया है और 2 बकेट मैंने ले लिया है पानी के लिए, और यहाँ पर मैंने थोड़े से रेड स्टोन रिपीटर भी बना लिए हैं। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा बकेट में पानी ले लेता हूँ और ऊपर चलता हूँ और अपने फार्म को सेमी ऑटोमेटिक बनाना शुरू करते हैं। अभी तो मैंने इस वाले नाली में पानी डाल दिया है, लेकिन मुझे इस वाले नालियों में भी पानी डालना है। तो इनको डालने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार नीचे नहीं जाना चाहता। ओके, तो अभी हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन के कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ से पानी ले लेते हैं और इन नालियों में डालना शुरू करते हैं। अभी बकेट में पानी लेके मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये मिट्टी सारा यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे इस साइड में एक स्टोन का ब्लॉक ऐड करना है।
कुछ इस तरह से इसको मैंने एक ब्लॉक ऐड कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर मुझे एक ब्लॉक और लगाना है, मैं इसको भी लगा लेता हूँ। और एक ब्लॉक लगाने के बाद मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ब्लॉक लगाने के बाद मुझे यहाँ पे इसको ट्रैप डोर को लेना है और ट्रैप डोर को लगाना है यहाँ पे सामने की साइड से ऐसे, और बिल्कुल इसको सामने की तरह ओपन करना है, ये ऐसे ओपन होना चाहिए। तो ऐसे इसको मैं मुझे ट्रैप डोर भी लगाना है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको लगा लेता हूँ। ऐसे मुझे ट्रैप डोर नहीं लगाना, ये गलत हो गया है। ओके, तो मैंने अभी सारा ट्रैप डोर लगा के उसको ओपन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे बस पानी डालना है, तो मैं एक बार यहाँ पे पानी डाल के चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से फ्लो कर रहा है बाहर, तो ये नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक पानी डाल देते हैं। अब यह लिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है, तो अब इसको यूज कर सकते हैं हम लोग बार बार, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि यह पानी का फिर फ्लो इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक स्टोन लगाना है, ठीक है। वैसे इस नाली को मैं पैक करूंगा ग्लास लगा के, तो अभी इसको काम को पहले पानी डाल लेते हैं, उसके बाद ग्लास लेके आएंगे तब इसको पैक कर देंगे। अभी मैंने सारे ट्रैप डोर के अंदर पानी डाल दिया है, तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रेड स्टोन चाहिए। मैं रेड स्टोन लेके आया था, तो इसको ले लेता हूँ मैं, और इसको मैं वायरिंग कर लेता हूँ रेड स्टोन से इस तरह से, ठीक है। तो यह मैंने रेड स्टोन का पूरा वायरिंग कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे एक लीवर लगाना पड़ेगा, तो अभी ये बंद है, लेकिन इसको मैं जैसे ही लीवर को ऑफ करूँगा तब ये ट्रैप डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो गया ये, तो ये पानी का फ्लो इस नाली में जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे इस नाली को पूरा कवर करना पड़ेगा, तो मुझे इसके लिए ग्लास चाहिए, तो मैं जल्दी से ग्लास लेके आता हूँ। वैसे मेरे घर में थोड़े से ग्लास पड़े थे, देखता हूँ मैं कौन किस वाले चेस्ट में है, तो इस वाले में है, तो जल्दी से ग्लास ले लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। अभी शाम भी होने वाली है और मैं ग्लास भी लेके आ चुका हूँ, और मैंने ग्लास को पूरा ब्लू कलर से पेंट कर दिया है, तो इससे हमें इसको वाटर कलर की वाइब आएगी। तो जल्दी जल्दी इसको लगाना भी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने सारे ग्लास अभी लगा लिया है, लेकिन ग्लास लगाते समय मुझे लगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं जब ग्लास लगा रहा था तो ये वाला एरिया छूट गया है मुझसे, तो जब मैं इसको ऑन करूँगा तो शायद ये पानी का फ्लो इसमें फिर चला जाएगा, मुझे इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, तो मैं एक बार चेक करता हूँ इसको, ठीक है। तो लीवर ऑन कर लिया और ये पानी चल गया है। ओके, तो जो मेरे को लगा था वही प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, ये वाटर का फ्लो इसके अंदर जा रहा है, तो ये मुझे फिक्स करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैंने सारी नालियों को फिक्स कर लिया है, तो अभी चलता हूँ मैं एक बार चेक करता हूँ लीवर उठा के कि क्या ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो पानी यहाँ से चल चुका है, वैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला दोनों लाइन में जहाँ तक मेरा ये करंट पास हो रहा है वहाँ तक का ये ट्रैप डोर खुल चुका है, तो अभी ये पानी तो पूरा नीचे जा चुका है, तभी मैं नीचे चलता हूँ। ओके, तो अभी लीवर को बंद कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे रेड स्टोन रिपीटर का यूज करना है, तो जल्दी से मैं रिपीटर ले लेता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मुझे ऐसे ही सारे रिपीटर लगाने हैं, तो जल्दी जल्दी मैं इसको लगा कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो अभी सारे रिपीटर मैंने लगा के यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं चलता हूँ एक बार इसको ऑन करके देख लेता हूँ कि ये हमारा करंट जो पास हो रहा है तो ये काम कर रहा है कि नहीं, तो इसको मैं लीवर को ऑन करता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे हमारा पानी चल चुका है, एक बार मैं ऊपर जाके देखूंगा, तो यहाँ पे हमारा पानी का फ्लो चल चुका है, तो वो लास्ट वाला थोड़ा सा लेट जा रहा है, तो इसको मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो मतलब ये हमारा पानी बिल्कुल सही जा रहा है, तो हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया है, तो जल्दी से अब नीचे चलते हैं और मैं यहाँ पे अब कलेक्शन सिस्टम बनाऊंगा इसका। ओके, तो मैंने लीवर को भी यहाँ पे नीचे लगा दिया है, तो इसको लगाने से मुझे अब बार बार ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हमारी क्रॉप को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक कलेक्शन सिस्टम बनाना है, तो यहाँ पे मैं पहले गड्ढा कर लेता हूँ एक। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट आएगा। ओके, अब चेस्ट को फेस करते हुए मुझे हॉपर लगाने हैं, तो मैं हॉपर ले लेता हूँ और ओके ऊपर से लगाना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ से मैं हॉपर इसमें लगा लेता हूँ फेस करते हुए। अब इस हॉपर को फेस करते हुए मुझे इधर हॉपर लगाने पड़ेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये कलेक्शन सिस्टम बना दिया है, और मुझे अब यहाँ पे थोड़े से हो चाहिए, क्योंकि मुझे अब कुड़ाई करनी है, तो मेरे पास जो भी हो हैं मतलब दो ही तीन हैं, तो मुझे और भी चाहिए, तो मैं चेस्ट से ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैं फटाफट इसको ले लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे इसकी खुदाई करना शुरू करते हैं।
ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे सारे खेत की खुदाई कर दी है, तो अभी दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मतलब हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया है। अब मुझे थोड़े से सीट्स चाहिए जो इसमें मैं लगा सकूं, और ये टोटल मैंने 2800 ब्लॉक्स का बनाया है, तो मुझे उतने सीट्स भी चाहिए। तो जल्दी से हम नीचे चलते हैं और सीट्स कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा ये सेमी ऑटोमेटिक मेगा वीट फॉर्म बन के कम्प्लीट हो चुका है। इसमें लगाने के लिए मैंने थोड़े से क्रॉप सीट्स भी लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लार्ज चेस्ट कैरेट ले लिया है, और तो ये पोटैटो मैंने ले लिया है, और यहाँ पे मैंने बीटरूट ले लिया है एक लार्ज चेस्ट का। उसके बाद यहाँ पे ये एक लार्ज चेस्ट ये भी ले लिया है मैंने। सारी चीज़ें मैं लेके आ चुका हूँ जो मुझे लगाने हैं, तो अब इसको लगाना शुरू करेंगे। वैसे सीट्स को कलेक्ट करने में मुझे 4 घंटे का समय लग गया, वो भी रियल लाइफ का, गेम का नहीं, तो बहुत ही टाइम लग गया था इसको कलेक्ट करने में। जल्दी जल्दी अब इसको लगाते हैं और लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म कितना वीट हमें एक बार में प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो जल्दी से सारे वीट के मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, इतना मैं अभी ले लेता हूँ, इतना लगा के फिर आएंगे, फिर लेके जाएंगे। वैसे ये फॉर्म हमारा 2840 ब्लॉक का है, तो हमें उतने सीट्स भी लगाने हैं, तो इसको लगाने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। तो जल्दी जल्दी मैं इसको लगाना शुरू करता हूँ। अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने ये फॉर्म कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना लिया, मेरे को इतनी फूड की ज़रूरत भी नहीं थी, इतना हमारा काम हो जाता, लेकिन ठीक है, जो हमने बना लिया है वो हम अब यूज करेंगे इसको। तो इसको मैं जल्दी जल्दी लगा के एक बार चेक करता हूँ कि हमारा कितने वीट बन रहे हैं, और खासकर कितने ब्रेड बन रहे हैं, क्योंकि हमें खाने के लिए तो ब्रेड ही बनाना है। तो जल्दी जल्दी इसको लगाता हूँ मैं। ओके, तभी मैंने ये 4 लाइन लगा के कंप्लीट कर दिया है, और ये हमारा लास्ट वाला भी एक बचा है, तो मैं इसको भी लगा के जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। इसको लगाने में मुझे वैसे बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं ये सारा पार्ट स्किप कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट वाला ब्लॉक है, तो इसको भी मैं जल्दी से लगा देता हूँ, और रात भी होने वाली है, तो मैं यहाँ से सीधे सोने जाऊँगा। ओके, तो अब मैं थोड़ी देर यहीं पे एएफके रहूँगा, उसके बाद इसको जब फसल पक जाएगा इसको हम हार्वेस्ट करके देखेंगे। जल्दी से मैं थोड़े से ऊपर जाके एक प्लेटफार्म बना लेता हूँ अपने बचने के लिए। ठीक है, तो बहुत देर एफ के रहने के बाद यह हमारा पूरा फसल पक चुका है। जल्दी से नीचे चलते हैं और इसको हार्वेस्ट करते हैं। अभी मैं लीवर ऑन कर देता हूं और ऊपर चल के थोड़ा सा दिखाता हूं आप लोगों को कैसे ये हमारा काम कर रहा है। ओके, तो यह पानी का फ्लो चल चुका है, और अपने साथ ही सारा वीट भी लेके आ रहा है, ये कैसे उछलते हुए आ रहा है बिल्कुल मस्त, और ये सारे हॉपर में चले जाएंगे। ठीक है, तो नीचे चलते हैं जल्दी से, और ये हमारा हॉपर ओवर फ्लो कर गया है यहाँ पे, तो ये सब सारा वीट मैं उठा लेता हूँ। तो ये बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और ये वीट हमारा सारा इस चेस्ट में हमारे कलेक्ट हो रहा है, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक ये कलेक्ट होता है तब तक। ओके, तभी हमारा ये वाला चेस्ट फुल हो चुका है, तो इसको मैं खाली कर लेता हूँ, और इसका सारा सामान मैं इस वाले चेस्ट में पीछे वाले में रख देता हूँ। अभी मैंने ये सामने वाले दोनों चेस्ट को खाली कर दिया है, और इनका सारा सामान ये पीछे वाले में रख दिया है, और ये दोनों भी चेस्ट पूरा फिल हो चुके हैं। ओके, तभी सारा हॉपर खाली हो चुका है, और ये सारा सामान इसमें चेस्ट में आ चुका है। तो जल्दी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना वीट हमारा प्रोड्यूस हुआ है। ओके, तभी हमारा ये पूरा एक लार्ज चेस्ट का ये एक रॉ खाली है, और ये सारा वीट फिल हो चुका है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो अभी हमारा ये पूरा टोटल इतना वीट प्रोड्यूस हुआ है एक बार में, और इन सारे चेस्टों में मैंने यहाँ पे वीट सीड्स रखे हैं। वीट सीड्स भी हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं। ये दोनों लार्ज चेस्ट हमारा फुल है, और इस वाले में भी क्रॉप फुल होने वाला है, बस ये लास्ट के 2 स्टैक थोड़े से खाली हैं। अभी क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे लगा लेते हैं, और जितने भी ये वीट सीड्स हैं इसका मैं हे बेल बना के दिखाता हूँ कि कितने स्टैक होते हैं। सारा सामान ये पहले फेंक देते हैं कचरा वाला। ठीक है, तो ये अभी सारा वीट यहाँ से लेते हैं, और इसका मैं जल्दी जल्दी हे बेल बना लेता हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ पे पूरा 4 स्टैक फुल हो चुका है, और लास्ट वाला स्टैक भी फुल ही होने वाला है, और एक वीट हमारा एक्स्ट्रा है। तो इतना हमारा वीट एक बार में प्रोड्यूस हुआ है इस फॉर्म से। अभी मैं इस हे बेल का एक टावर बना के दिखाता हूँ कि कितना बड़ा टावर बनता है ये। ओके, तो अभी मैंने हे बेल का पूरा एक टावर बना लिया है, और यहाँ से हमारा ये फॉर्म भी दिख रहा है, और यहाँ पे हाइट इसकी बहुत ऊँचा है, यहाँ से अगर मैं गिरूँगा तो सीधे मर जाऊँगा, तो मुझे इस साइड पानी में जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं, तो अभी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, पीस आउट।